हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीनिंग नेम्स। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो बैक पेन होता है डिलीवरी के टाइम में, आपको बैक पेन होता है वो क्या आपको आफ्टर डिलीवरी भी रहता है, और वो रहता है तो उससे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उससे पहले कि मैं आपको ये सब बताऊं कि आपको क्या क्या टिप्स हैं आपको करना चाहिए, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिलीवरी के टाइम में, डिलीवरी मींस आपकी जो प्रेगनेंसी है उस टाइम में आपको बैक पेन क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपका यूट्रस है वो एक्सपेंड करता है, तो एक्सपेंड होने के टाइम पे वो स्ट्रेच होता है और उसकी वजह से जो आपके एब्डोमिनल के मसल्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो बैक पोर्शन है उस पे बहुत ज़्यादा वेट जाने लगता है, और जो आपका बॉडी पॉस्चर है खड़े होने का बैठने का, वो सब जो पहले का पॉस्चर था उससे डिफरेंट हो जाता है, वो उसको चेंज कर देता है क्योंकि आप कंफर्टेबल मोड में बैठने या चलने के लिए अपने बॉडी को बेंड करना स्टार्ट कर देते हो। उसकी वजह से हमें बिटवीन जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें पेन होता है। बट हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आफ्टर डिलीवरी जब बेबी का बर्थ हो जाएगा तो वो जो बैक पेन है वो इंस्टेंट चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। वो बैक पेन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि आपकी बॉडी को पहले जैसा नॉर्मल होने में, और आपका जो बॉडी पॉस्चर प्रेगनेंसी के टाइम में चेंज हुआ था उठने बैठने का, उसे वापस पहले जैसा नॉर्मल होने में टाइम लगता है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि आपको बेबी को कैसे होल्ड करना है, या ब्रेस्ट फीड कैसे कराना है, या बेबी अगर फ्लोर पे खेल रहा है या सो रहा है तो उसको वहाँ से कैसे उठाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं जो आपको टिप्स बताऊंगी, ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो बैक पेन है वो बहुत जल्दी चला जाएगा। जो आपका बैक पेन का प्रॉब्लम है वो आपको ज़्यादा टाइम तक सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ है कि आफ्टर डिलीवरी जब आपके स्टिचेस नॉर्मल डिलीवरी में भी आते हैं और स्टिचेस सिजेरियन डिलीवरी में भी आते हैं, तो वो जो स्टिचेस हैं जब वो हील हो जाए, आपके डॉक्टर अगर आपको कह दे कि आपके स्टिचेस हील हो गए हैं, तो उसके बाद में आप जो एक्सरसाइज होती हैं वो स्टार्ट कर लें। इसके लिए आपकी जो बैक पेन से रिलेटेड है एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ, वो आप स्टार्ट कीजिए, वो आपको रूटीन में करना है ताकि आपका जो बॉडी पॉस्चर है वो पहले जैसा होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपको डेली कम से कम 20 से 30 मिनट की जो वॉकिंग है वो हमेशा करनी चाहिए। आप अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि वीक में कम से कम 3 दिन आप वॉकिंग ज़रूर करें। और उसके बाद में स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप कहीं और यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता पड़ जाएंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज है जो आपको करनी चाहिए ताकि आपका जो बैक पेन है वो जल्दी से रिकवर हो जाए। देन सेकेंड पॉइंट है कि आप कोशिश कीजिए कि डिलीवरी के बाद 6 वीक्स के अंदर आप अपना जो पहला प्रेगनेंसी से पहले आपका जो बॉडी वेट था उसमें आने की आप कोशिश कीजिए। आप अपना जो डाइट प्लान है उसको वापस मेंटेन कीजिए और अपना वेट लूज़ कीजिए। देन थर्ड पॉइंट है कि आप जब भी अपने बेबी को उठाते हैं, मींस आपको अपने बेबी को गोद में लेना है, तो आप कभी भी अपने आर्म्स को स्ट्रेच मत कीजिए। जैसे कि हम बेबी अगर दूर सो रहा है तो हम अपने आर्म्स को बहुत स्ट्रेच करते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप पहले बेबी को अपनी तरफ खिसकाइए, मींस पुल कीजिए, और उसके बाद में आप बेबी को उठाइए ताकि आपके जो आर्म्स हैं वो स्ट्रेच ना हो और आपकी बैक पे प्रेशर ना आए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप बेबी को उठा रहे हैं तो आप कभी भी अपना जो बॉडी है उसको बेंड मत कीजिए। आपको बेंड कभी नहीं करना है क्योंकि अगर आप बेंड करेंगे तो फिर से आपके बैक पे स्ट्रेच होगा, तो वो आप अवॉइड कीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर आपका बेबी बेड पे सो रहा है या फिर उसके लिए आपने क्रेडल लिया हुआ है, बेबी उसमें सो रहा है, तो भी आपको उस टाइम उसे उठाने में ध्यान देना चाहिए कि आप उसे, आपको जब बेबी को लिफ्ट कर रहे हैं तो उस टाइम में आपका बॉडी पॉस्चर आप स्ट्रेट होने चाहिए,
मीन्स आपकी जो बॉडी पॉस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपको बेंड नहीं करना है बिल्कुल भी। देन इसके अलावा जैसे आप बेबी को जब भी फीड करा रहे हैं, फीडिंग के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब भी आप फीडिंग कराएं तो आप कभी भी बेबी की तरफ झुक के आप उसको ब्रेस्ट फीड ना कराएं। आप हमेशा सबसे पहले अपनी गोद में पिलो रखिए, कुछ फीडिंग पिलोज़ भी आते हैं आप वो ले सकते हैं, अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं तो उसके अलावा कुछ नॉर्मल पिलोज़ होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। अगर आप फीडिंग पिलो लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं किस तरह के होते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो आपको जो वो पिलो है वो आपको अपनी गोद में रखना है, देन उसके बाद में आप बेबी को उस पिलो पे रखिए और फिर आप बेबी को अपनी तरफ पुश करके और फिर ब्रेस्ट फीड कराइए, आपको बिल्कुल नहीं झुकना है। इसके अलावा जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आप हमेशा अपने बैक साइड में 2 या 3 पिलोस का सपोर्ट ज़रूर रखिए, क्योंकि आपकी बॉडी बेंड नहीं होनी चाहिए, आपका हमेशा आप पीछे की तरफ सहारा लेके बैठिए और बेबी को अपनी तरफ करके अपनी तरफ पुल करके और फिर उसे ब्रेस्ट फीड कराइए। इसके अलावा जब भी आप कभी वॉक करने वाले हों, जैसे आपको कहीं वॉक करना है, कहीं जाना है और बेबी आपको गोदी में लेना है, तो आप बेबी को नॉर्मल तरीके से गोदी में नहीं लीजिए। मीन्स कुछ लोगों का बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो बेबी को इस तरफ में लेते हैं, लाइक उसकी वजह से जो बेबी का वेट है वो आपके हिप्स की तरफ जाता है, मीन्स बैक की तरफ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। बेबी को हमेशा फ्रंट साइड से लीजिए, मीन्स इस तरीके से गोदी लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके बैक पे कभी भी प्रेशर नहीं आता है। देन जब भी आप बेबी अगर फ्लोर पे खेल रहा है या फिर वो फ्लोर पे सो रहा था, आप खड़े हैं तो आप कभी भी खड़े खड़े बेबी को ऊपर उठाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहला स्टेप होता है आप अपनी नी बेंड करके नीचे बैठिए और उसमें भी आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए हमेशा, आपको झुकना नहीं है। देन आप बेबी को अपनी तरफ पुल कीजिए और उसके बाद में आप उठाइए, तो आपका जो बैक पेन है वो कभी नहीं होगा और जो बैक पेन आपको प्रेगनेंसी के टाइम था वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं कि आप ध्यान रखें। देन इन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी चाहिए कि आप जब भी बेबी को लिफ्ट करते हैं अपनी तरफ तो आप जो प्रेशर डालते हैं वो प्रेशर आपका हमेशा जो आपके स्टमक के मसल्स हैं उन पे आना चाहिए। मींस आपको उठाते टाइम आपका जो पेट, आपके स्टमक के जो मसल्स हैं उनको टाइट रखना है, ठीक है? तो वो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे टाइट रखते हैं, लाइक हम लोग जब कोई भी पानी की बकेट उठाते हैं या कोई भी हैवी चीज़ उठाते हैं तो हम हमेशा अपना जो स्टमक के मसल्स हैं उनको टाइट करते हैं, ऐसे ही आपको हमेशा बेबी को लिफ्ट करते टाइम में करना है। दूसरा, आप जब नीचे बैठें और आपको उठना है बेबी को लेके तो आप हमेशा खुद की बॉडी पे प्रेशर मत डालिए, आप हमेशा आपके जो लेग है उसको एक पैर को हाफ पोजीशन में ऊपर करके और उस आपके जो लेग के मसल्स हैं उस पर प्रेशर डाल के आपको उठना है हमेशा, ताकि आपको बैक पे कभी भी प्रेशर ना आए। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक बेस्ट ऑप्शन है जो कुछ लेडीज़ अपने घर पे बैक मसाज वगैरह करवाती हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी लेडी को अरेंज कर सकें, सिटी एरियाज़ में तो बहुत सारी अवेलेबल होती हैं जो आफ्टर डिलीवरी जो लेडी होती है उनकी मसाज के लिए आती हैं, तो वो आप मसाज ज़रूर करवाइए और वो मसाज आप हमेशा गुनगुने ऑयल है उससे करवाइए, वो आपको बैक पेन में रिलीफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आप ये सारी जो स्टेप्स मैंने बताई है ये फॉलो करती हैं, मीन्स आप ये अपनी पूरी डेली रूटीन में ध्यान रखती हैं कि आपको किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बेबी को फीड कराना है या बेबी को आपको कहीं लेके जाना है, वॉक करना है तो किस तरीके से आपको बेबी को होल्ड करना है, ये सब अगर आप ध्यान रखें तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे अपने बैक पेन से, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक्सरसाइज इसलिए हमेशा कहा जाता है आप कीजिए क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से स्वेटिंग होती है और आपकी बॉडी जो है उसे हील करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
आई थिंक कि अगर आप ये सारी स्टेप्स फॉलो करती हैं तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन. थैंक यू.